100 में से 85 और 90% सही निकलते हैं। मतलब 90% इनका दावा है कि मिठू का निकाला हुआ फाल जो है वो दुरुस्त साबित है। अच्छा, गलत भी हो सकता है। मियां मिठू, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया मैच आपने प्रतिष्ठानी है, कौन सा जीतेगा? मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या वजह? वजह ये कि एक तो मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। दूसरे नंबर पे इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, मोहम्मद शमी जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और जो उनका टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर मोहम्मद शमी ने अपनी एक्यूरेट लाइन और लेंथ पर जज्बे के साथ बॉलिंग की तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उसके सामने टिकेंगे। ऑस्ट्रेलिया का रंडी रोना शुरू हो गया है। इन्होंने कल जो है वो नहीं जो है वो हार चुकी हुई थी, और आज जब इनको पता चला ना कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे पास तो कोई प्लान ही तैयार नहीं हो रहा हम किस तरह इंडिया को रहे, तो इन्होंने नया रंडी रोना निकाल लिया पिच को लेके। लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं कि इंडिया बुरी तरह हार जाए और ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली विन करे। आई एम सॉरी बाबू। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार की चैंपियन और इंडिया की टीम 2 बार की चैंपियन, दोनों का कल जो तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और इंडिया देखेगा 2003 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके फाइनल का बदला लेने को। कल तक ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा था कि ये इंडिया फिक्स करके फाइनल में आया है, इंडिया फिक्सिंग करता है। रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था कि इंडिया फिक्स करके जीता है, ये करता है वो करता है, वो तो कल तक था। आज इन्होंने पिच के ऊपर रंडी रोना लगाना शुरू कर दिया है, पिच के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। मिट्टू ने पर्ची निकाल ली है, 1 मिनट, ये जी पर्ची है जो मिट्टू ने निकाली है, तो इसके अंदर क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। चले खोलें, देखते हैं। दोस्तों, कल वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। अब उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पाकिस्तान की तरह रंडी रोना चालू कर दिया है पिच को लेकर, लेकिन होना वही है जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होना है। अब उससे पहले हर कोई अपनी तरकीबें आजमा रहा है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। अब ऐसा करने में हमारा पड़ोसी मुल्क कैसे पीछे रह सकता है? तो दोस्तों, पाकिस्तान में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जीतने की भविष्यवाणी की गई है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। मोहम्मद शमी ने बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की और स्टार्टिंग में उसको चांस नहीं मिला, वो मिड ऑफ द वर्ल्ड कप आया और इंडियन टीम में उसने एक नई रूप फूंक दी। इंडियन फैंस को शुक्र अदा करना चाहिए जो है हार्दिक पांड्या का, कि वो इंजर्ड हुए, उनकी जगह रिप्लेस किया मोहम्मद शमी ने और उन्होंने तबाही फेर दी, और उन्होंने ऐसी तबाही फेरी कि टॉप विकेट टेकर हैं। अब वो आधे से भी कम मैचेस खेले हैं उन्होंने और 23 विकेटों के साथ वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर हैं। अगर आप लोगों का आपके अंदर पिच का वो डर पैदा हो गया है तो ऑब्वियसली आपको फिर डर है इंडिया का, आपको अपनी एबिलिटीज के ऊपर शक है, फिर घंटे की आप जो है वो फाइनल खेलने आए हो इधर नहीं। आप इंडिया आपके घर जाता है, आप उनको ग्रीन पिच दे देते हो, ग्रीन विकेट, बाउंसी विकेट, बेटा उधर बंदे के शटे डार्ट हो जाते हैं किसी एशियन बैट्समैन के, लेकिन वो आपको उधर हरा के आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीजा मिठू, ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट टीम है? हाँ जी। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा इस दफा, मिठू का फाल गलत ना साबित हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह ये सही होएगा। जो ये भी बात, आप पता क्या है, जो टीम सबको हराती है कभी हारती भी है। हाँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया नहीं हार सकता, इंडिया भी हार सकता है। इंडिया आपको पता लगातार जीतते हुए आ रहा है, बड़ी स्ट्रांग टीम है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम, ऑस्ट्रेलिया की पर्ची निकाली, पता कि एक पिछला मैच था कि पता नहीं कितने स्कोर थे, ऑस्ट्रेलिया ने 7वें 8वें नंबर पे आया था, वो उसने 201 स्कोर अकेले ने मार दिया था। अब हमारी जो पाकिस्तानी टीम है 3 से 4 है, उसके बाद बाबर आउट होता है, सब आउट हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 8वें नंबर पे आके 201 स्कोर मार के गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से कल के मैच में तोते से बुलवाया गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी। अब देखो, कल जो मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया जब हारेगी टीम इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप का खिताब, और अपने हाथों में जब कप उठाएगी और टीम इंडिया में तहलका मचेगा, जश्न मनाया जाएगा, तब इस तोते की चोंच है जो कहीं और घुसेगी तब अलग ही मजा आएगा। तो अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तब तहलका मचाएंगे।